प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे के जरिए लाइव निरीक्षण किया। पीएम ने केदारपुरी में संचालित हो रहे कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारी से सीधी बातचीत की और कार्यों को लेकर जानकारी भी ली। इस दौरान डीएम की तरफ से किए गए निरंतर प्रयास की तारीफ की और कार्यों को लेकर संतुष्टि जताई है और साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों की भी प्रशंसा की। देखिए, इसमें सराहना की गई राज्य सरकार की कि काम जो है वो ठीक हो रहे हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वहां पर इतने अधिक लोगों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा कुछ सुझाव इसमें दिए गए थे कि जैसे दिव्यांग लोग जो हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए और उनको ये भी अवगत कराया गया कि स्थानीय पत्थर का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है रास्ते को और चबूतरे को बनाने में, तो उसमें भी उनके द्वारा सराहना की गई है। तो एक प्रकार से जो जिन कार्यों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था उन कार्यों की जो गति है उन कार्यों की और उन कार्यों की स्थिति को देख करके उनके द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम का दौरा करते हुए वहां 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिनमें संगम तट से केदारनाथ मंदिर तक पैदल मार्ग निर्माण, सरस्वती नदी तटों की सुरक्षा समेत तीर्थ पुरोहितों के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल था। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।